आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम बनाने वाले हैं बथुआ के पराठे और साथ ही हम बनाने वाले हैं हरी चटनी। पराठे और चटनी बनाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हम पराठे बनाना। हमने बथुआ ले लिया है, हमने कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। अब हम इसमें ऐड करेंगे बथुआ जो हमने काट के रख लिया था पहले। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको उतार लेंगे। हमारा बथुआ अच्छी तरीके से उबल चुका है, अब हम इसको मैश कर लेंगे। हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। हमने 4 कटोरी आटा ले लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मैश कर लिया था बथुआ को, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, जीरा। अब हम इसको मार लेंगे पानी से, हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और आटा को मारते जाएंगे। हमारा जो आटा है वो अच्छी तरीके से मर चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे पराठा बनाना। इसके हम गोल पराठे बनाएंगे। हमने 2 लोई ले लिए अलग अलग। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे रिफाइन, फिर हम इसको आपस पे चिपका देंगे और इसको इस तरीके से गोल कर लेंगे। अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो हमारा जो पराठा है वो बेल चुका है। ऐसे ही हम सारे बेल लेंगे। फैन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पराठा। अब हम इसके ऊपर रिफाइंड लगा लेंगे। अब हम इसको फिर पलट देंगे और इसके ऊपर फिर से रिफाइंड लगा लेंगे। पराठा हमारा सिक चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे पराठे को सेक लेंगे। हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं, इसके साथ हम बनाएंगे चटनी। चटनी के लिए हमने टमाटर ले लिए हैं, प्याज ले लिया, अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्च ले लिए हैं और थोड़ी सी धनिया ले लिया है। इन सबको हमने अच्छी तरीके से काट लिया है। डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और मिर्च। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, जीरा, नमक स्वाद अनुसार, आमचूरन पाउडर। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमारी चटनी ग्राइंड हो चुकी है और अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारे बथुआ के पराठे और चटनी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। आप इसे सर्दियों में बड़ी अच्छी तरीके से खा सकते हो।
जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।